आप ये किताबें देख लीजिए सर, इनमें मैंने कोई गलती नहीं की है। आप ठीक तो है ना मैम? मैं ठीक हूं, तुम यहां क्यों आई हो? ये एनवेलप देना था मैम। आधे घंटे में अगर बर्फी नहीं आई तो देखना। सठियाने में भी 10 साल बचे हैं, पता नहीं क्या हो गए इनको। क्या 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 बड़बड़ कर रही है? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि नारियल की खाएंगे या खोए की। हमें तो पहले से ही पता था कि रात बंद हो जाएगा। क्या इसीलिए हमें आज यहाँ बुलाया है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने पापा की सारी डांट, सारा गुस्सा इसीलिए बर्दाश्त करती हो ना, क्योंकि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। क्या हुआ? क्या हुआ? डब्बू के पापा, आगे बोल तो। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या? पापा, पापा! अरे महेश बेटा, विजय उल्टी कर रहे हैं, ठीक तो है ना? हाँ बेटी, डॉक्टर को बुलाओ, फोन करो। नहीं नहीं अभी ठीक है पापा, अब ठीक तो है ना पापा? जा बेटा जा, तौलिया ले और डाइजिन ले। क्या हुआ था महेश? थोड़ी कमजोरी आ गई है। अभी ठीक लग रहा है? बिजी उल्टी कर लिए ना, अब फर्क पड़ जाएगा। मना किया था, अंट संट चीजें मत खा, पर तू सुनता कहाँ किसी की? अब बिजी रहने दो ना, अभी चली चली चल चल, 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 चल। आराम कर, अब जाके चल। तो अभी तक तप रहा। बेजी, एक क्रोसिन और दे दो। डबो, डबो सुन। क्या? दवाइयाँ खिला खिला के मार डालेगी। थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो ठंडी पट्टी रखनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ। आप लेटे रहिए। लेटे रहिए। और डबो पुत्र, पापा कहाँ हैं? अंदर है। अच्छा। लेट रही, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो जी? तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? ओहो, सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं। अब ऐसी बीमारी में क्या करेगा यार, तू कैसे करेगा? पर भाई साहब, ये एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे ना? ना ठीक तो हो जाएगा, पर ठीक होके करेगा क्या? नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। भाई साहब, चुप चुप बोलो आप। देखो जी, मैं तो सच्ची बात करता हूँ। ऐसी हालत में आज की मीटिंग कैसे करेगा ये? आज? आज? आज की मीटिंग? पर बेटा, मीटिंग तो 2 दिन बाद थी ना। बड़ा समझाया जी मैंने उनको, पर कमेटी है, सरकारी मामले हैं, बात मानने को तैयार नहीं थे। मीटिंग रख दी 10 बजे। 10 बजे? अभी 3 घंटे बाद। और नहीं तो क्या, अपनी मॉर्निंग वॉक छोड़ के आया हूं यार तुझे बताने में। पर ये तो इतने बीमार है, ये तो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते, ये कैसे जा सकते?
बड़ा समझाया जी मैंने, पर देखा जाए तो उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक की बीवी बाहर जा रही है और एक की बिल्ली खो गई, बताओ। मैंने बहुत कहा पर मानने को तैयार नहीं थे, बोले आज आज ही करनी है मीटिंग वरना कभी नहीं। मैं कैसे, मेरी मेरी तैयारी भी नहीं है और ताकत भी तो नहीं है। फिर नौकरी तो गई समझ यार। पर बेटा इस हालत में ये बात कैसे कर पाएगा? कमजोरी देख रहे हो, ठीक तरह से बैठ भी नहीं पा रहा है। ये तो ज्यादती है ना कमिटी की, दो दिन बाद बोल के आज मीटिंग। देखो जी मेरा काम था बताना, वो मैंने कर दिया। अच्छा जी आज की मॉर्निंग वॉक तो गई। टेक केयर जी। बीजी ये तो क्या है, अब हम क्या करें बताओ। नहीं नहीं नहीं, इस हालत में महेश नहीं जा सकता है, तो ले जा कहीं नहीं जा सकता है। बीजी हम क्या करेंगे बताओ ना, कैसे जाएगा, तैयारी नहीं कुछ है। पापा जाएंगे, मैं लेके जाऊंगी। मैं कर देती हूँ। अरे ये शर्ट पहनकर मीटिंग में जाएगा तो? अरे दादी शर्ट ठीक है। पापा जरा देखे ये पेपर सारे हैं ना, ये देखे। बीजी मुझे मुझे उसे छोड़ बेटा, जूते पहना दे, मीटिंग में देर नहीं होनी चाहिए। जी, बेटा छोड़िए ना माँ। थोड़ी दूरी पे बस हम पहुंच जाएंगे। चलिए पापा वरना मीटिंग के लिए देरी हो जाएगी। चक्कर आ रहा है डब्बू। चक्कर पापा थोड़ी हिम्मत रखिए पापा, वरना मीटिंग के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए जैसे हम बस में बैठते हैं ना उसके बाद आप आराम कीजिएगा, लेकिन मुझे घर ले चल, वापस ले चल घर। डब्बू हम घर चलते हैं। पापा पापा रुकिए, मैं किसी रिक्शा के लिए देखती हूँ। हाँ देख देख किसी रिक्शे वाले को ढूंढ और घर ले चल। संभालिए पापा, मुझसे नहीं हुआ। पापा थोड़ा सब्र कीजिए, बस अभी आती होगी। मैं कोई रिक्शा देखती हूँ।
हेलो 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 अपूर्वा, मैं जिया बोल रही हूँ। देखो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और उनका एक मीटिंग के लिए पहुँचना बहुत जरूरी है। उनकी मीटिंग वहाँ टाउन में, प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो ना अपूर्वा। जिया वो मेरी क्लास है, मैं देखो अपूर्वा प्लीज तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मैं किससे मांगू मदद? किसका फोन है? जिया है, ये पापा के साथ कहीं फंस गई है, हेल्प चाहिए उसे। हेलो जिया, क्या हुआ? हाँ बाबा जी, बाबा जी ये बुरे इंसान नहीं है, गुस्सा आता है लेकिन चोर नहीं है, चोरी तो ये कर ही नहीं सकते ना बाबा जी। बाबा जी आप तो सब जानते हो ना बाबा जी, बाबा जी ये कभी बुरा काम नहीं कर सकते, इन पर झूठा इल्जाम लगा है, बस इस बार इनकी प्रॉब्लम सारी सारी ठीक कर देना बाबा जी। बाबा जी इनके साथ रहना, मेहर करना इन पे, इनका ख्याल रखना, वो कमेटी वाले ना इनकी बात मान ले बाबा जी, बस बाबा जी मेहर करना, मेहर करना। लिसन, हमें जिया की हेल्प करनी होगी, मेरे लिए प्लीज। तुम्हारे लिए क्यों? लुक बरखा मैं और क्लासेस मिस नहीं कर सकता। तुम उस दिन मुझ पे चीखे थे ना, अब मुझे उसका बदला चाहिए। Are you mad? चीखे थे या नहीं? सॉरी, ओके? सॉरी एक्सेप्ट तभी होगा जब तुम जिया की हेल्प करोगे, वो भी तो तुम्हारी हेल्प कर रही है ना, तुम्हारी परफेक्ट डांस पार्टनर ढूंढने में। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा जाकर उसे हेल्प मांगूंगा? हो सकता है हेल्प मांगने की जरूरत ही ना पड़े, इसके बाद वो खुद से ही तुम्हारी मदद कर दे। चल डब्बू घर ले चल, मुझसे नहीं होगा। पापा थोड़ी देर हिम्मत रखिए पापा, ऐसा मत कीजिए। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, वो हमारी मदद करेंगे, थोड़ी देर हिम्मत रखिए पापा। नहीं होगा मुझसे डब्बू, नहीं होगा। वो आ गए पापा। डब्बू मुझसे नहीं होगा, डब्बू मुझसे नहीं होगा, वो लोग आ गए, मुझसे नहीं होगा डब्बू। हम यही वेट करते। सर सर हम अंदर आ सकते? महेश जी आप? मैं इनकी बेटी हूँ। महेश जी आप लेट हो गए हैं, मीटिंग कैंसिल हो गई। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है सर। जवाब देने के समय सबकी तबीयत खराब हो जाती है, चलिए अब कुछ नहीं हो सकता।
देखिए सर, मैं 104 बुखार में आया हूँ आप लोगों से मिलने। अब आप घर पे जाके आराम ही कीजिए। नमस्कार, चलिए चलिए। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। सर सचमुच उनकी तबीयत बहुत खराब है, एक बार सुन तो लीजिए। सुनने को कुछ है भी नहीं, सब सबूत तुम्हारे पापा के खिलाफ है। जाओ, जो पैसों का गबन किया है उनसे इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ। सर सर, एक बार हमारी बात सुने बिना आप इसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सुन तो लीजिए। पापा 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 पापा, यहाँ बैठे। अब ठीक है पापा? तुम सफाई देने आई हो अपने पापा की तरफ से। सर सर, मेरे पापा ने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने कोई पैसे नहीं चुराए, एक बार इनकी बात सुन लीजिए प्लीज सर। ठीक है, जो बोलना है बोलो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू सर। पापा बोलिए, पापा पापा बताइए। ये इसमें सब है, इस फाइल में सब है इसमें। जरा पानी ले लूं सर। मेरी बेगुनाही का सबूत है सर। क्या सबूत है मिस्टर महेश? यहाँ तो सिर्फ पन्ने हैं, वो तो हमारे पास भी है। अगर गणित मैक्स ठीक से आता हो तो देख लीजिए, लाखों का गबन हुआ है रेलवे में। पापा 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 कुछ बोलिए पापा। पापा ये लोग सवाल करें। पापा ये बहानेबाजी छोड़िए, अगर आपके पास कोई पक्का सबूत है तो बताइए, वरना मीटिंग ही ओवर कीजिए। सर रुकिए सर, ये बहानेबाजी नहीं है, मेरे पापा की तबीयत वाकई खराब है, प्लीज। ये सब आप अदालत में कहना। हेल्प कर दो ना प्लीज। पर बरखा सर, इतना ही तो कहना है कि मैं, थोड़ी देर की तो बात है ना। तुम अपनी बहन को जानती हो ना, मुझ पर बरस पड़ी तो वो मैं, वैसे तुम ये मत समझना कि मैं किरण से डरता हूँ। मेरा नाम लिया तुमने। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? बरखा से। वो उसने मुझे बताया कि वो लेट होने वाली है कॉलेज आने में, और उसके साथ जिया और पूर्वा भी लेट होने वाले हैं। लेट आएंगे तीनों भी? वो एक्चुअली जिया के डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हें बता दूं। मुझे फोन क्यों नहीं किया? नेटवर्क, फोन लग नहीं रहा होगा पक्का। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन करना है, आई विल सी यू। पापा पापा उठिए, पापा बोलिए, पापा पापा पापा।
सर 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 मैंने मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। मैंने कोई रुपया कोई पैसा नहीं चुराया है सर। सर प्लीज 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 मुझे मुझे मेरी नौकरी वापस दे दो सर प्लीज। पापा संभालिए प्लीज मेरी नौकरी मेरी नौकरी दे दो सर प्लीज। सर देखिए सर आज तक वो एक भी बार ऑफिस लेट नहीं। इन 23 सालों में वो हमेशा वक्त पे ऑफिस पहुंचते थे चाहे जितने भी बीमार हो। आज इस साल में यहाँ तक भी आए सर। सर वो नहीं है चोर नहीं है। पापा आप कुछ बोलिए। पापा 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 आई एम सॉरी मिस अगर तुम्हारे पापा ने जवाब नहीं दिया तो हमें ये मीटिंग बर्खास्त करनी पड़ेगी। दोबारा दूसरी कमेटी मेंबर्स के आगे आपके पापा अपनी बात रख सकते हैं। सर सर प्लीज दोबारा मीटिंग मत रखवाइए। आज मुश्किल से मीटिंग हुई दोबारा होगी नहीं होगी। अब 2 मिनट दीजिए मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। वो चोर नहीं है पापा बताइए बोले है पापा 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 मुझे यकीन है पापा इस मुसीबत में से जरूर निकल जाएंगे। ये कमेटी भी ना बिना किसी रीजन के बुलाती है और फिर फालतू के क्वेश्चंस करती है। तो ये सच्चा रखवाला है मेरे बच्चे की मदद कर। मिस्टर सबरवाल कमेटी ने एक मत होकर फैसला ले लिया। आप पर लगाए गए तमाम इल्जाम मुझे लगता है कि तुम मुझे हटाकर रैड पे पूरा अपना कंट्रोल कर लेना चाहते हैं।